हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो बच्चों, एक बार फिर से नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे, ठीक है, और आई होप सभी स्टूडेंट्स को आया होगा। कुछ स्टूडेंट्स का क्वारी था तो देखो उनके लिए हम बता देते कि देखो हमें फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल ऐड करना था, जैसे हम लोग ऐड करते हैं इसी तरीके से ऐड करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लिख के बता रखे हैं, आप लोग दोबारा से वीडियो को देखना कि पहले 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर्स क्या होता है, 6 times 9s, और 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर्स क्या होगा, 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा 7 times 9s। फिर ये दोनों को ऐड कर देना था बस, और कुछ भी नहीं करना था। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था कि फाइंड द नंबर, एक ऐसा नंबर बताना है कि जो 173579 से जब ऐड करेंगे इसमें ग्रेटर देन बाय इतना, इतना ज़्यादा क्या होगा उसमें। हम ये बोले कि ऐसा नंबर बताओ जो 10 से 5 ज़्यादा क्या होगा, तो 10 से 5 ज़्यादा क्या होगा, तो आप लोग 10+5 करोगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में हमें करना था, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स का कोई क्वारी है, डाउट है, तो हम अभी करा दिए दोबारा से ताकि समझ, जो स्टूडेंट्स जहाँ तक कर लिए थे 5 तक हम दिए थे आई होप होमवर्क में, तो सब कर लिए थे तो गुड, अच्छी बात है, आज हम लोग 6 से करेंगे। और यहाँ पे तो सिंपल ऐड है, इस तरह से आपको ऐड लिख के ऐड करना था। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सिंपल सब्ट्रैक्ट, 5 में सिंपल सब्ट्रैक्ट था, और आई होप कि 5 का भी आता होगा, आप लोग आराम से करोगे। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है, सब्ट्रैक्ट करना है जहाँ भी फ्रॉम लिखा हो, जहाँ भी क्या फ्रॉम लिखा हो, क्या लिखा हो फ्रॉम, तो जब भी फ्रॉम लिखा हो ना, तो आप लोग जो बड़ा नंबर, जो पीछे नंबर है उसे पहले लिखोगे, जैसे 2, 8, 8, 5, 3, 4, 2, ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लिए। फिर लिखना है, देखो आप लोग 1, 4, 4, 8, 5, 3, 9, 1, 4, 4, 8, 5, 3, 9 आप लोग ये लिख लिए। अब इसे क्या करना है, माइनस करना है, अब इसे माइनस करना है, तो देखो माइनस करके भी आपके लिए बता देते हैं थोड़ा, इस तरह से करेंगे। अब ये बता, ट्रिक 2 में से 9 तो जाएगा नहीं, ये 9 है, ये क्या है बच्चों, 9 है, ये क्या है 9 है, तो 2 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो इससे हम कैरी लेंगे, तो ये 3 हो गया, ये 12 हो गया। अब 12 में से 9 जाएगा बच्चों तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 3 होगा, 3 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 0। अगेन देखो 3 में से 5 नहीं जा रहा है, क्योंकि 3 छोटा है 5 बड़ा है, तो हम लोग इससे कैरी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 4 हो गया, और ये 13 हो जाएगा, और 13 में से 5 जाएगा बच्चों तो क्या होगा, 8 हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 8 हो गया। ओके, अब यहाँ से अगेन हम लोग देख रहे हैं कि 4 में से 8 नहीं जाएगा, 4 में से 8 नहीं जा रहा है, तो हम लोग अगेन कैरी लेंगे इससे, तो ये 7 हो जाएगा, और ये क्या जाएगा 14। अब 14 में से 8 जाएगा बच्चों तो क्या होगा 6, 14 में से 8 जाएगा तो क्या होगा 6। अगेन देखो 7 में से 4 नहीं जा रहा, अगेन सॉरी 7 में से 4 जा रहा है, तो हम लोग कैरी लेने की जरूरत नहीं है, तो 7 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 3। इसी तरह से 8 में से 4 जाएगा 4, और 2 में से 1 जाएगा 1, तो 1, 4, 3, 6, 8, 0, 3 जाबर आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 14,36,803 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि जो स्टूडेंट्स देखो खुद से कर रहे हैं, आंसर मैच जरूर कर लेना, सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। आर एस एन किस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है, इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 से जल्दी से करके बताओ, हमें जल्दी से करके आप लोग बताओ, आंसर्स मैच करो, अदरवाइज कमेंट भी करके बता सकते हैं किसका सही था नहीं था, उसके बाद हम लोग करके बताएंगे। एक मिनट का आपके लिए टाइम अप करते हैं ताकि आप लोग खुद से करो, फिर हम यहाँ से करके समझाएंगे आपके लिए। ओके, जल्दी से करो, आई होप कि देखो सभी स्टूडेंट्स का आ रहा होगा आंसर। ओके, जल्दी से करो, फिर बाकी का क्वेश्चन हम लोग, और 7th करो जल्दी, फिर 8, 9 आप लोग होमवर्क में करोगे, क्वेश्चन नंबर 10 से हम आपके लिए बताएंगे फिर, ठीक है। देखो आई होप सभी स्टूडेंट्स का हो गया होगा, हम यहाँ पे आप करते हैं। पहले आपको हम क्या बताए थे, पहले हम बताए थे कि ये नंबर्स, पहले आपको हम बताए थे कि
कि जो ये नंबर है, जो ये नंबर था उसे क्या करना था, पहले ऊपर लिखना था, पहले ये जो नंबर है इसे पहले ऊपर लिखना है। तो पहले आप लोग लिखोगे 4 2 9 0 3 1। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आपको बताए थे कि लिखना 2 4 6 4 8 7 4, 2 4 6 4 8 7 4। देखो शायद हम ऊपर का कोई नंबर मिस कर दिए, 4 2 9 2 0 3 9। तो हम दोबारा से लिख लेते हैं क्योंकि हम ना ऊपर का नंबर एक मिस कर दिए थे, सॉरी, 4 2 9 2 0 3 1 ये लिख दिए। उसके बाद था 2 4 6 4 8 7 4, ये था। अब आपको क्या करना है, इसे माइनस करना है। अब आपको क्या करना है, इसे माइनस करना था। तो माइनस किस तरीके से हम लोग करेंगे, माइनस जो है हम लोग किस तरीके से करेंगे, आपको हम ऑलरेडी बता रखे हैं। देखो पहले क्या था, वन में से फोर नहीं जा रहा, तो इससे कैरी लेगा, तो ये टू हो गया और ये इलेवन हो गया। अब इलेवन में से फोर जाएगा तो क्या आएगा बच्चों, सेवन। अब देखो टू में से सेवन नहीं जा रहा, तो इससे भी ये कैरी इससे पहले लेगा क्योंकि ये जीरो है, ये तो खुद कैरी देने लायक नहीं है, तो ये टेन हो गया था। अब ये इसे कैरी देगा तो ये दोबारा से क्या हो जाएगा बच्चों, नाइन हो जाएगा। दोबारा से क्या होगा, नाइन, और ये ट्वेल्व। अब ट्वेल्व में से सेवन को घटाओ तो क्या आएगा, फाइव। नाइन में से एट को घटाओ तो क्या होगा, वन। अब दोबारा वन में से फोर नहीं जा रहा, तो इससे कैरी लेगा तो ये तो एट हो गया और ये इलेवन हो जाएगा। अलेवन में से फोर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, सेवन। और एट में से सिक्स जा रहा है, यस, तो एट में से सिक्स जाएगा तो क्या होगा, टू। अब टू में से फोर नहीं जाएगा तो अगेन इससे कैरी लेगा तो ये थ्री और ये हो जाएगा ट्वेल्व। और ट्वेल्व में से फोर जाएगा बच्चों तो क्या होगा, एट। और थ्री में से टू जाएगा तो वन। तो 1 8 2 7 1 5 7, यानी कि 18,27,157 इज आंसर्स। तो आई होप कि देखो सब्ट्रैक्ट सबको आ रहा होगा, किस तरीके से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए आप लोग 8 9 क्वेश्चंस आप लोग होमवर्क में करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप लोग होमवर्क में करोगे। क्वेश्चन नंबर 10th में था, क्वेश्चन नंबर 10 में है स्टूडेंट्स कि व्हाट शुड बी एडेड टू 8658665410 में एक इतना, ये बोला कि इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि एक नंबर आ जाए। हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हम ये बोलें कि 4 में हम लोग क्या ऐड करेंगे, 4 में हम लोग क्या ऐड करेंगे, क्वेश्चन मार्क का ये साइन है कि आंसर मान लो 7 आ जाएगा। 4 में आ आप लोग क्या ऐड करोगे कि 7 आ जाएगा, तब बोलोगे सर 3। तब ये 3 एक्चुअली आया कैसे, ये जो 3 था वो आया कैसे, तो वो आया 7 में से 4 को माइनस करके। तो आप लोग क्या लिख दोगे, 7 माइनस 4 7 माइनस 4, ठीक है, तो 3 आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, हम लोग इसी तरह से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप लोग को देखो, आई होप कि देखो ये माइनस करने के लिए हम बता भी रखे, पहले माइनस कैसे करेगा, जो बड़ा नंबर था 7 में से, जैसे बता पहले 9 4 2 0 1 1 2 0 1 1 1 को लिखोगे, फिर लिखोगे 8 6 6 5 4 1 0, ये लिख के उसके बाद क्या कर देना है आपको, ये लिख के आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ये लिख के आप लोग क्या करोगे, माइनस कर दोगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चंस को किस तरीके से करना था, क्वेश्चंस को किस तरीके से करना था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस में है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 में देखो 11th में क्या है, ध्यान से सुनना है। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, यानी कि पहले ये दोनों नंबर को ऐड करना था और उसे घटाना था इससे, फ्रॉम लगाओ, यानी कि पहले इसको ऊपर लिखेंगे, इसको इस तरह से ऊपर लिखेंगे, पहले ये दोनों को तो ऐड कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा इसे ऊपर लिखेंगे और जो आंसर आएगा उसे नीचे लिख के माइनस करना है। देखो आपके लिए हम कर भी रखे हैं, पहले तो हम लोग क्या था निकालना था, सम ऑफ, पहले हम लिखेंगे सम ऑफ 2 3 4 8 9 and 3 0 8 1 6 7 6, तो ये बड़ा था इसे ऊपर लिख लिया, छोटे नंबर को ये ऐड किए, ये आया 3 1 0 5 5 1 6 5। अब हमें क्या करना था, इसे सब्ट्रैक्ट करना था, क्या करना था बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना था। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 3 1 0 5 1 6 फ्रॉम 9 4 2 0 1 1, तो यहाँ पे पहले फ्रॉम है तो इसलिए इसे ऊपर लिखेंगे और इसे इसे नीचे लिखेंगे और माइनस कर देंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा।
आंसर जो है बच्चों आपके पास, आंसर आपके पास आ जाएगा। ओके, तो आई होप कि देखो ये भी क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉर्ट आउट करना था, क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना था। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन जो हमारा एक्सरसाइज का है 12 क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। 12 में था, क्वेश्चन नंबर 12 में है, 12 में है, सब्ट्रैक्ट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर को घटाना है किससे, फ्रॉम है यानी कि जो पीछे है 7 डिजिट का बड़ा नंबर से। पहले हम 7 डिजिट का बड़ा नंबर ऊपर लिखेंगे, 6 डिजिट को ग्रेटेस्ट नंबर को फिर लिखेंगे नीचे, या दोनों को घटा देंगे तो कुछ भी नहीं है। पहले हम देखो यहाँ तक लिख रखें कि ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 7 टाइम 9, और 6 डिजिट का सबसे बड़ा क्या होगा 6 टाइम 9। तो 6 बार 9 तो 6 बार 9 कट जाएगा, तो यहाँ पे 6 बार 0 और 9 ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि देखो ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना था। अब इसके बाद हम थोड़ा आगे जो है एक्सरसाइज बड़ प्रॉब्लम है वो अगली क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोग आज चीज़ों को अच्छे से समझे होंगे और अच्छे से किए होंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग घर पर सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, और आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़े रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।